हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चैप्टर हमारा फैक्टराइजेशन अभी चल रहा है, 14.4 है ना, स्टार्ट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर कल की वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद आज के क्वेश्चन करेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, 3x + 2x = 5x², मतलब जो कल कर रहे थे वही कंटिन्यू करना है आपको। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल्स टू है या नहीं ये बताना है सॉल्व कर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं LHS और राइट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं RHS, ठीक है। अब यहाँ RHS तो सॉल्व है लेकिन आपको क्या करना है, आपको LHS को सॉल्व करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को आपको सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 3x + 2x, क्या होगा भाई प्लस है तो दोनों डिजिट प्लस हो जाएंगी और आंसर क्या आ जाएगा x। लेकिन RHS में क्या दिया हुआ है 5x² तो आप क्या लिखोगे 5x is not equals to RHS, यानी ये जो 5x है ये RHS 5x² के equals to नहीं है। तो हम आगे लिखेंगे the correct statement is 3x + 2x = 5x लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2x² + 4 2x + 7 और यहां पर आपको बताना है कि LHS RHS के इक्वल्स टू है या नहीं। क्या करना है, LHS यहां लिख लो RHS यहां लिख दो, पहले LHS को सॉल्व कर लो, लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे तो 2x² ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। यहाँ सीधे हम सॉल्व कर कर ही लिखते हैं 2 × 4 x² प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x + 7 इज इक्वल टू यहाँ क्या है 2x² + 8x + 7 है ना, है कि नहीं। क्या लिखोगे, क्या ये इक्वल्स टू है, नहीं है इक्वल्स टू, ठीक है। क्या रहा है ये इक्वल्स टू नहीं है, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट इज 2x² + 4 2x + 7 = 4x² + 8x + 7, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो LHS लेफ्ट हैंड साइड ये है, RHS ये है और इसको सॉल्व कर कर आंसर क्या दिया है इन्होंने 9x, यानी जो फाइनल आंसर है आपका वो 9x है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे LHS लिखो पहले, LHS लिखने के बाद अब ये जो 2x² + 5x है इसको सॉल्व करो, क्या होगा 4x² + 5x, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आगे इज इक्वल टू 9x, क्या ये इसके बराबर है, तो जल्दी से नहीं है ना बराबर, तो क्या लिखोगे नॉट इक्वल्स टू RHS, ठीक है। आगे लिख दो जो करेक्ट स्टेटमेंट है, द करेक्ट स्टेटमेंट इज 2x² + 5x = 4x² + 5, ये आपका आंसर आएगा, यही तो है आपकी करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। चलो नाइन्थ देखो 3x + 2² इसको आप ऐसे ऐसे समझ सकते हो कि हमारा यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा a + b² है ना, तो इसको ओपन करो, ये LHS है, ये RHS है, LHS क्या हो जाएगा, ओपन करो इसको 3x को a बनाएंगे, a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी, ठीक है। दीज आर 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 टू जा 6 और 2 जा 12x, ठीक है ना। ये इसको कॉल कर कराया, आगे क्या लिखा हुआ है देखो, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। बताओ क्या लिखेंगे, इसको आप यहां भी लिख सकते हैं इक्वल टू करके, ठीक है। क्या लिखोगे यहां पर, इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एस, है ना, ये आर एच एस के इक्वल्स टू नहीं है। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 3x प्लस सॉरी इनटू 2 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12x, ये आपकी है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। या इसको ओपन मत करो, अभी ओपन मत करो, यहाँ पर आपको क्या शो करना है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। ये मैंने ओपन करके लिखा था, इसको आप ओपन मत करो। यहाँ पर क्या लिखोगे, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये स्टेटमेंट आ जाएगी आपकी सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट वाला देखो, सभी लोग एक बार फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। क्लास की टाइमिंग में बता दूं आपको, 1:30 PM है, यानी 1:30 PM पर डेली एक क्लास अपलोड होती है, जिसको आप दिन में किसी भी टाइम देख सकते हो। ये क्लास का लोगो है, चेतन क्लासेस अगर डालेंगे तो यूट्यूब पर आपको ये लोगो नजर आएगा, आप वहां से मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और कंटिन्यू करना चाहते हो तो, है ना। चलो आगे देखो, सब्स्टिट्यूटिंग यानी एक्स की प्लेस पर आपको क्या लिखना है, सब जगह पर -3 लिखना है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सॉल्व करके दिखाया है कि अगर x की प्लेस पर आप -3 लिखते हो तो आपका आंसर ये और सबसे लास्ट में ये आता है। मैं ये प्रूव करना है क्या ये ट्रू है या नहीं, है ना। क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो इन्होंने आंसर लिख के दिया है ये एग्जैक्ट है या नहीं, ठीक है। तो लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन के बाद आप सब जगह जहां भी आपको x दिया हुआ है वहां पर आप x की वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 3 3 9 और माइनस हट जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो माइनस वाले डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस से माइनस कट हो जाता है, आंसर केवल 9, ठीक है। प्लस और ये 5 प्लस का माइनस का 3 तो क्या आएगा, माइनस का 15 आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 15 प्लस का 4, सबको सॉल्व कर लो, इन दोनों को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 13, और 15 में से माइनस करोगे यानी ऐसे लिख लो, चलो आंसर क्या आएगा आपका, माइनस का 2 आंसर आएगा। वहां क्या आंसर दिया हुआ है, ठीक है, क्या आंसर दिया हुआ है, वहां तो 15 दिया हुआ, 15 तो है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। क्या लिखा है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, यहां पर भी आपको क्या लिखना है, x की वैल्यू -3 रखनी है, ठीक है। चलिए 3x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 प्लस 4, ठीक है, 3 3 9। अब ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, देखो -5 इनटू -3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 15, वो भी प्लस का, आ जाएगा 15 प्लस 4, आंसर क्या आएगा, 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 19, और 19 में 9 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 28, क्या आ गया 28, और यहां आंसर क्या था, -2, क्या है इसको लिखेंगे, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, दिस इज द
करेक्ट आंसर, यानी जो हमने फाइंड आउट किया है वो आंसर एग्जैक्ट है, ना कि जो आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पर भी आपको x की वैल्यू क्या रखनी है, माइनस 3 रखनी है, ठीक है, प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 और यहाँ पर माइनस का 15, माइनस करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का क्या आएगा 6, क्या आंसर आया, माइनस का 6, और यहाँ पर आप लिखोगे दिस इज द करेक्ट आंसर। चले बात समझ में आ गया ना कि कैसे फाइंड आउट करना है, जो आंसर दिया हुआ है उसको हमें बताना है कि वो रॉन्ग है या राइट है। आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, इसके अभी आगे के क्वेश्चन बचते हैं जिनको हम कल की वीडियो में करेंगे, आज आप लोगों को केवल इतनी प्रैक्टिस करनी है और इससे पहले वाले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो एक बार कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी और कल के सेशन के लिए तैयार रहेंगे। आज के लिए बस यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।